हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी के सिचुएशन में अपना और अपने परिवार वालों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की रेमेडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनके बाल सफेद हो। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की ये रेमेडी बनाना कैसे और इसे अप्लाई कैसे करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ले लेना है आयरन वेसल, यानी कि लोहे का बर्तन। इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फर्स्ट एक चम्मच इतना मैं ले लूंगी यहाँ पे आंवला पाउडर, यानी कि इंडियन गूसबेरी पाउडर। सेकंड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ जटामांसी पाउडर, एंड थर्ड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ फेनुग्रीक स्वीट पाउडर, यानी कि मेथी दाना पाउडर। दोस्तों, आंवला पाउडर बहुत हेल्प करता है हमारे बालों को घना, काला, मजबूत बनाने में। सेकंड आपको मैं बता दूँ, जटामांसी पाउडर नेचुरल तरीके से हमारे बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। ये ऐसी जड़ी बूटी है ना जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। थर्ड यानी कि यहाँ पे है फेनुग्रीक सीड पाउडर, यानी कि मेथी दाना पाउडर। आप सबको पता है हमारे बाल जो झड़ते हैं ना उसे ये रोकता है, साथ ही साथ बालों को घना बनाता है, मजबूत बनाता है। इन सबको हमें बिल्कुल धीमे आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हाई नहीं कीजिएगा, बिल्कुल धीमे आंच पे इसे करना है। अगर आपको लगेगा कि इस तरह से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है, तो इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ। अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पानी। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक गिलास इतना पानी ऐड करूँगी। तो ये मैं गैस का फ्लेम इसलिए ऑफ की थी क्योंकि जो लोहे का जो बर्तन होता है ना वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और इसके कारण ये पाउडर्स हमारे जल सकते थे, इसलिए मैं इसे यहाँ पे स्विच ऑफ कर दी थी गैस का फ्लेम। अब इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। वापस मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और इसे धीमे आँच पर हमें पकाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मैं ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ हल्दी पाउडर, चुटकी भर यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न है और हमारे स्कल्प पे इचीनेस होने लगती है, खुजली होने लगती है, पसीना होता है। ये सब फंगल इन्फेक्शन से दूर करता है ये हल्दी पाउडर, साथ ही साथ आपके बालों में मजबूती लाता है, बालों में पक्का कलर देता है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है दोस्तों। तो थोड़ी देर के बाद, मीन्स 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और इसे मैं ढक के रख दूंगी जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आता है। तो इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए रख दूंगी, इससे हमारे जो लोहे का जो तत्व है ना उसकी भी बेनिफिट्स इसके अंदर आ जाएगी और बहुत ही अच्छा ये कलर बन के रेडी होगा। तो ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है, सारा जो इसमें पानी था वो सारा सोख हो चुका है और बहुत ही अच्छा ये हमारा पैक बन के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड करेंगे ना तो इसे आप बना के लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप लीफ वाली पीस के अगर यहाँ पे ऐड करते हैं ना, उसके जेल डालते हैं ना, तो उसे आप इंस्टेंट लगाना पड़ेगा और उसे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ये बिल्कुल पक्का कलर रेडी हो चुका है। इसे आपको आधे घंटे से 45 मिनट तक बालों पे लगा के रहना है, उसके बाद केवल और केवल नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, अच्छी तरह से तेल लगाना है उस दिन और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर कीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।